नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर आई है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपको मैं बता दूं, कॉलेज में एडमिशन के लिए 10वीं के अंक बनेंगे आधार, क्योंकि 11वीं 12वीं के बिना परीक्षा ही प्रमोट हो गए हैं स्टूडेंट। यानी पिछले 2 वर्ष से सभी स्टूडेंट बिना ही परीक्षाएं पास हो रहे हैं, तो अब कॉलेज के अंदर एडमिशन आपके 10वीं के अंक के आधार पर मिलेगा। विश्वविद्यालय कॉलेज कमेटी ने ये रिपोर्ट सरकार को दी है कि इस वर्ष एडमिशन किस आधार पर हो, तो उन्होंने 10वीं के अंकों को मान्यता दी है। बात करूं दूसरी बड़ी अपडेट की, तो साथियों सबसे बड़ी अपडेट दूसरी यह आई है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के अंदर जो मूल्यांकन का फॉर्मूला आने वाला है वो सभी के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। केंद्र सरकार की जितने भी स्कूल हैं, CBSE, ICSE, साथ ही सभी राज्यों के स्कूलों के अंदर एक ही तरीके से रिजल्ट बनेगा पूरे देश के अंदर। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर की अगर मैं बात करूं, तो 17 जून को आपके केस की सुनवाई होने वाली है। जिन राज्यों के अंदर अभी तक बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं हुई है और रिजल्ट का फॉर्मूला सभी राज्यों के अंदर समान रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है, उसकी सुनवाई 17 जून को है। उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी लगातार।